हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्रिएशन। आज मैं आपको बहुत ही इजी और जल्दी बन जाने वाला अंगूठे वाला मोजा बनाना बताऊंगी। और इसे बनाना देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस मोजे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 48 फंदे लिए हैं। फंदे आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें ये सिलाई पूरा उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखिए पहली सिलाई है, इसे देखिए हमें पूरा लास्ट तक उल्टा बुनना है। ये देखिए पहली सिलाई मैंने पूरा उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब ये देखिए दूसरी सिलाई है, इसे भी हमें उल्टा उल्टा बुनना है। तो ये पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और फिर उनको अपने तरफ करके सारे फंदे हम उल्टे बुन लें। तो इसी तरह से बुनते हुए ये सिलाई भी कंप्लीट कर लें, और इसके अलावा भी हमें दो सिलाइयाँ और उल्टा उल्टा बुनना है। तो टोटल तीन सिलाइयाँ और उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है हमें। यहाँ पे मैंने टोटल नीचे चार सिलाइयाँ उल्टे उल्टे बुनी हैं। अब देखिए ये पांचवी सिलाई है, और इसमें देखिए हमें इस किनारे पांच फंदे उल्टे बुनने हैं, और इस किनारे भी पांच फंदे उल्टे बुनने हैं, और बाकी जितने भी फंदे हैं उसे हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये राइट साइड है, ये देखिए ये पांच फंदे उल्टे बुन लिए। इसके बाद देखिए ऊन को पीछे करके हम इसमें लास्ट में पांच फंदे छोड़कर यहाँ तक को सीधा सीधा बुनेंगे। अब ये लास्ट में देखिए फाइव फंदे रह गए हैं, तो इसे हमें देखिए ऊन को अपनी तरफ करके इन पांचों फंदों को उल्टा बुनना है। अब ये देखिए पांचवी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब ये छठी सिलाई है, ये रॉन्ग साइड है, और इसमें देखिए हमें सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। तो ये सिलाई भी हम बुनकर कंप्लीट कर ले। ये सिलाई देखिए मैंने पूरा उल्टा बुन लिया है। अब ये राइट साइड है, और ये सातवीं सिलाई है। इसमें देखिए हमें पांच फंदे यहाँ पे उल्टे बुनने हैं, और फिर ये देखिए बीच वाले फंदे जो हैं हमें सीधा बुनना है, और इधर भी हमें पांच फंदे उल्टे बुनने हैं। तो ये दोनों साइड थोड़ा बॉर्डर टाइप का पैटर्न बनेगा। ये पांच फंदे देखिए हमने उल्टे बुन लिए। अब इसके बाद देखिए ऊन को पीछे करके इधर हम सारे फंदे सीधा सीधा बुनेंगे, और यहाँ लास्ट में देखिए हमें पांच फंदे फिर से उल्टे बुनने हैं। तो जब भी हम राइट साइड में आएंगे तो इसे हमें इसी तरह से बुनना है, और जब हम रॉन्ग साइड में जाएंगे तो वो सिलाई हमें पूरा उल्टा उल्टा बुनना है। तो इसी तरह से बनाते हुए हम इसे थोड़ा सा और बना लें। ये देखिए इसे मैंने इतना बुन लिया है। इसकी लेंथ देखिए मैंने यहाँ पे 7.5 इंच रखी है। अब ये मैं 8 नंबर के पैर के लिए बना रही हूँ। अगर आप 7 नंबर के पैर के लिए बनाएं तो ये आप 7 इंच रखें, और अगर आप 8 नंबर से ज़्यादा के पैरों के लिए बना रहे हैं तो आप 8 इंच से ज़्यादा बुन सकते हैं, यानी 9 इंच या 8.5 भी बुन सकते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने उंगली के नीचे का हिस्सा बनाया है। अब इसके ऊपर देखिए हमें अंगूठा और बाकी उंगलियों के लिए बुनना है। तो इस तरफ देखिए हम अभी अंगूठा बनाएंगे। तो अंगूठा बनाने के लिए यहाँ पे 18 फंदे हमें बुनने हैं, या आप 20 फंदे भी कर सकते हैं।
तो अब हमें यहाँ पे उल्टा नहीं बुनना है, अब हम इसे सिर्फ सीधा सीधा बुनेंगे। तो पहले ये 18 फंदे हम सीधे बुन लें। ये देखिए 18 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब यहीं से देखिए सिलाई पलट लें और सिर्फ अभी हमें सिर्फ 18 फंदों को ही बुनना है, इधर के फंदे हम बाद में बुनेंगे। तो इधर से देखिए हमें उल्टा उल्टा बुनना है। ये 18 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब फिर से देखिए सिर्फ हमें यहाँ से यहाँ तक ही बुनना है और वापस से हम सिलाई पलट लेंगे। तो देखिए राइट साइड में हमें इसे सीधा बुनना है और रॉन्ग साइड में जब हम आएंगे तो इसे उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। तो इसे मैं आपको 2 इंच तक बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने अंगूठा बना लिया है। तो देखिए पहले हम यहाँ पे फंदे डिक्रीज करेंगे, फिर इसे सिलेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए उल्टे साइड से इसे 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर ये 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। हमें इसे दो दो करके बुनना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे फंदे डिक्रीज कर लिए हैं। अभी हमारे यहाँ पे सिर्फ 9 फंदे ही बचे हैं क्योंकि हमने दो दो फंदे करके इसे कम कर लिया है। अब इसे देखिए हमें ये सुई पर लेना है। तो इन सारे फंदों को देखिए इस तरह से हम उतार लें। अब इसे इस तरह से हम देखिए टाइट कर लेंगे। इसमें देखिए एक बार हम वापस से और डालेंगे। अब इसे देखिए अच्छे से हमें टाइट कर लेना है और फिर देखिए हम इसे यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ तक हमें देखिए इसे सिलना है साथ में। इसकी सिलाई मैंने कर ली है और ये देखिए इसे पलटने के बाद देखिए इसकी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने राइट लेग के लिए बनाने के लिए इस साइड अंगूठा बनाया है। जब आप लेफ्ट वाले पैर के लिए बनाएंगे तो आप इस तरफ अंगूठा बनाएंगे, यानी 18 फंदे आपको इधर बुनने होंगे ना कि इस तरफ। अब इधर देखिए बाकी बचे उंगलियों के लिए हम बुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम ऊन ज्वाइन कर लें और देखिए इसे सीधा सीधा हमें बुनते जाना है। तो देखिए इधर के 5 फंदे भी हमें सीधा ही बुनना है और जब हम रॉन्ग साइड में आएंगे तो उधर से देखिए हमें उल्टा उल्टा बुनकर इसे कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 सलाइयाँ बुन ली हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें फंदों को डिवाइड करना है। तो
तो यहाँ पे अभी मेरे 28 फंदे हैं, तो देखिए 14 फंदे हम इस तरफ करेंगे और 14 फंदे इस तरफ। तो उसके लिए देखिए पहले हम यहाँ पे 12 फंदे बुनेंगे। ये हमने देखिए 12 फंदे बुन लिए। अब उसके बाद देखिए ये दो फंदों को हमें एक साथ बुनना है। 14 फंदे इधर बुनने थे तो इन दोनों को हमें एक साथ सीधा बुनना है। अब देखिए इधर 14 फंदे थे, अब 13 फंदे ही रह गए। अब इस साइड देखिए 14 फंदे हैं तो इधर भी हमें 13 फंदे करने हैं। तो उसके लिए देखिए फिर से हम ये दो फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे। तो देखिए इस सिलाई में हमने दो फंदे घटाए और उसके बाद देखिए 12 फंदे जो हैं उसे सीधे बुनने हैं। अब ये सिलाई देखिए बनकर कंप्लीट हो गई। अब देखिए रॉन्ग साइड है और रॉन्ग साइड में हमें कोई भी फंदे बढ़ाने घटाने नहीं हैं, तो इसे हम पूरा उल्टा बुन लें। ये सिलाई देखिए बनकर कंप्लीट हो गई है। अब इस तरफ से देखिए हमें यहाँ पे पहले 11 फंदे बुनने हैं सीधे सीधे। ये देखिए 11 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब उसके बाद देखिए फिर से हमें ये दो फंदों को एक साथ सीधा बुनना है। तो अब देखिए इधर 12 फंदे हो गए। अब इधर देखिए हमारे 13 फंदे हैं तो इसे भी हमें 12 बनाना है। तो फिर से देखिए हम ये दो फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमने दो फंदे घटा लिए। अब इधर के 11 फंदे हम पूरा सीधा सीधा बुन लें। और जब हम ये रॉन्ग साइड में आएंगे तो ये सलाई हम पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लें। ये देखिए ये दो सलाइयाँ मैंने बुन ली है। अब देखिए यहाँ पे हमें 10 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर उसके बाद देखिए ये दो फंदे घटाने हैं। फिर इधर भी 10 फंदे बुनने हैं। जब जब हम राइट साइड में आएंगे तो इधर के फंदे कम होते जाएंगे। देखिए पहले 12 थे, फिर 11, फिर 10, फिर 9। तो इस तरह से हमें करते हुए इस तरफ हमें 7 फंदे करने हैं और इस तरफ भी 7 फंदे करने हैं। यानी कि टोटल इसे हमें तब तक बनाना है जब तक कि हमारे टोटल 14 फंदे ना हो जाएं। तो इसे हम वहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लें। ये इसे मैंने यहाँ तक बना लिया है और अभी हमारे देखिए टोटल 14 फंदे ही हैं। 7 फंदे इस तरफ और ये देखिए 7 फंदे इस तरफ। अब देखिए इन्हें हमें क्लोज करना है। तो उसके लिए हम देखिए ये पहला फंदा हम इस तरह से बुनेंगे ऐसे, और इसे हम ऊन को पहले थोड़ा सा कट कर ले। इसे देखिए इस तरह से हमें खींच कर निकालना है, इस तरह से। फिर देखिए दूसरा फंदा बुनेंगे और इसे हम इस तरह से खींच के निकाल दें।
ये देखिए इस तरह से करने पर हमारे सारे फंदे इस ऊन पर आ जा रहे हैं। तो ये देखिए ये सारे फंदे इस ऊन पर आ गए हैं। अब देखिए इसे हमें इस तरह से टाइट करना है जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये इस तरह से। इसे देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलाई करनी है। इसका देखिए एक और पैर मैंने बना लिया है। तो ये देखिए इस तरह से है। तो इसे देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम देखिए राइट पैर के लिए बनाएंगे तो इसे देखिए अंगूठा हम राइट से बुनना स्टार्ट करेंगे, और जब हम ये लेफ्ट पैर के लिए बनाएंगे तो अंगूठा देखिए हम लेफ्ट साइड से बुनना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से देखिए हमारा बनेगा। तो अब देखिए इसकी हमें सिलाई करनी है यहाँ से यहाँ तक। पहले उंगलियाँ हम सिल लें। ये देखिए मैंने इसे यहाँ तक सिल लिया है। अब देखिए हमें इसकी भी सिलाई करनी है। इसकी यहाँ इतना पीछे छोड़कर यहाँ तक हमें इसे सिलना है। तो देखिए इसे हम यहाँ से यहाँ तक और इतना बीच में हिस्सा छोड़कर यहाँ से यहाँ तक इसकी हम सिलाई कर लें। ये देखिए ये सॉक्स की सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ से जो यहाँ सिलना है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिल लें। तो देखिए दोनों सॉक्स बनकर रेडी हो गया है। और फ्रेंड्स आप सभी ने देखा कि ये कितना जल्दी बन जाने वाला सॉक्स है। इसे आप सभी बहुत ही जल्दी बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से। पहनने के बाद देखिए इसकी फिटिंग कितनी अच्छी आई है और ये बहुत ही अच्छा फिट हो रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ से जो घटाया था ये कितना अच्छा शेप आया है। तो इस तरह से आप अपने लिए भी अंगूठे वाला मोजा बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।